जनपद हापुड़ के थाना दुलाना क्षेत्र की गालन नहर पट्टी पर शनिवार की सुबह करीब 7:45 बजे पुलिस और शातिर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ से इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार सवार को रुकने का इशारा किया, जिसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया और एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त धुलाना थाने का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिस पर जनपद हापुड़, गाजियाबाद, मथुरा, राजस्थान समेत विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान अंतर्राज्यीय शातिर चोर समीर के रूप में हुई है। आज सुबह गालन नहर पट्टी पर लगभग 6:40 पर समीर उर्फ गरीबा थाने का HS है धौलाना थाने का, और उस पर चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गालन नहर पटरी पर ही चेकिंग की जा रही थी चौकी इंचार्ज UPS IDC और दहरा द्वारा। बदमाश द्वारा जब पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया तो वो भागने का प्रयास किया उसने, और पुलिस पार्टी पर फायर किया। बचाव में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे इलाज हेतु भिजवा दिया गया है। उसके पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार, जो कि वो चोरी के लिए प्रयोग करता था, और 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि धोलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गालन नहर पट्टी पर पुलिस सुबह करीब 7:45 बजे चेकिंग कर रही थी। सामने से आ रही गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। कार में सवार बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया और भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान समीर के रूप में की गई है, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाह में खोखा, जिंदा कारतूस, घटना में इस्तेमाल होने वाली स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया बदमाश धोलाना थाने का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिस पर जनपद हापुड़, गाजियाबाद, मथुरा, राजस्थान में चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के तहत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।